हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल अपना नामांकन भरने जामनगर हाउस पहुंच चुके हैं। नामांकन की पूरी प्रक्रिया इस समय अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर में चल रही है। थोड़ी ही देर में ये नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। अपने परिवार के साथ अरविंद केजरीवाल नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। उनके माता पिता उनके साथ हैं, उनकी पत्नी उनके साथ हैं। जामनगर हाउस में अंकित गुप्ता और अंजलि सिंह मेरे दो सहयोगी बने हुए हैं और पूरे जो कहा जाए कि हर तस्वीर सबसे पहले हम तक पहुंचा रहे हैं। अंकित, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, काफी लंबा समय हो गया है, अभी तक अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं निकले, क्या खबर आपके पास? जी बिल्कुल, करीबन 50 मिनट का वक्त हो रहा है अरविंद केजरीवाल को अंदर गए हुए, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं निकले हैं। और ऐसे में इसी से अंदाजा लग जाता है कि ये तस्वीर दर्शकों को दिखा दें, अरविंद केजरीवाल की माता जी कुछ कह रहे हैं। आराम से, बस इतना। 70 में से 70 सीटें आ रही हैं। 70 में से 70 पक्का आशीर्वाद दिया बेटे को तीसरी बार? पक्का, हाँ आशीर्वाद दिया। बस अब आशीर्वाद दे के आ गए। अच्छा, तीसरी बार आशीर्वाद दे के आ गए हम। अब हम 2-3 घंटे नहीं बैठ सकते वहाँ पे, 2-3 घंटे लगेंगे वहाँ पे, इसलिए हम नहीं बैठ सकते। उन आशीर्वाद दे के आ गए। आप भी 2-3 घंटे लग जाएंगे? हाँ, बस हो गया, चलिए, थैंक यू, जाने दो आराम से। तो अरविंद केजरीवाल के माता और पिताजी को हमने आपको सुनवाया। उनके पिता का कहना है कि अभी 2-3 घंटे का समय लगेगा और इसीलिए हम वहाँ नहीं बैठ सकते हैं, हम आशीर्वाद देकर बाहर निकल आए हैं। जब अरविंद केजरीवाल की मां से मीडिया ने बात की तो उनका कहना था कि 70 में से 70 सीटें आ रही हैं, हमने आशीर्वाद दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जामनगर हाउस से। अपने माता पिता और पत्नी के साथ अरविंद केजरीवाल नामांकन भरने के लिए पहुंचे थे, लेकिन शायद अंदर वक्त बहुत ज्यादा लग रहा था और माता पिता की उम्र ज्यादा है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो 2-3 घंटे वहां नहीं बैठ सकते थे। आशीर्वाद देकर वो अब घर लौटते में उन्होंने मीडिया से बात की। अंजलि सिंह लगातार वहां बनी हुई हैं। अंजलि, अरविंद केजरीवाल की माता जी को विश्वास है कि 70 में से 70 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलने वाली है। उन्होंने अपना आशीर्वाद भी दिया है अपने बेटे को। जी बिल्कुल, सिर्फ उनकी माता जी नहीं, इस समय आप आम आदमी पार्टी के किसी भी बड़े चेहरे से या उनसे जुड़े हुए लोगों से बात करेंगे तो सब यही बात कहते हैं कि 70 में से 70 सीटें आएंगी। कहीं ना कहीं इसको एक मनोवैज्ञानिक रूप से भी देखें तो ये हावी होने वाली बात है, क्योंकि पूरी पार्टी की लाइन ही यही है कि हम पिछली बार का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे, 70 में से 70 सीटें लेकर आएंगे। और जैसा कि इतनी देर से हम चुनावी माहौल की और आम आदमी पार्टी की राजनीति की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें पूरे दिल्ली चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी पहले से ही काफी प्रोएक्टिव नजर आई इस लहजे से कि जैसे ही लोकसभा चुनाव बीते वो एक भी सीट दिल्ली में नहीं जीते, तो उसके बाद ही उन्होंने सीधे कैंपेनिंग शुरू कर दी दिल्ली में, तो केजरीवाल यानी लोगों के अंदर एक बात डालनी शुरू कर दी कि भाई हमने ये काम किए हैं। तो लोकसभा बीत गया लेकिन अब दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं तो वहां पे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की पार्टी ही काम करेगी। और लगातार आप देखें तो हर जगह पर जिस तरह से नामांकन की प्रक्रिया होनी थी या फिर लिस्ट आनी थी या उससे पहले अपना अलग अलग तरीकों से अपने काम गिराने की बात हो, भले ही घोषणा पत्र जारी नहीं किया लेकिन उससे पहले एक गारंटी कार्ड जारी कर दिया, तो तमाम पार्टियां जहां भी उलझी है कि प्रत्याशी कौन होगा तो वो लीड लेकर शुरू से चल रहे हैं और यही वजह है कि 70 में से 70 सीटों का दावा कर रहे हैं। ठीक है अंजलि, आप बनी रहिए हमारे साथ और एक बार पहले सुन लेते हैं। आशीर्वाद देके आए हैं आप अरविंद जी को, कल भी हमने देखा कि आपका आशीर्वाद लेकर निकले थे कैंपेन, जिस तरह नॉमिनेशन, इस पर क्या कहना है और कितनी उम्मीदें क्या है इस बार की? भगवान की इच्छा है, भगवान जिस करेगा वो भला करेगा। कितनी सीटें उम्मीद कर रहे हैं सर इस बार, क्या 70 की 70 सीटें? अच्छा, भगवान से प्रार्थना करते हैं हम तो, जो वो अच्छा समझे करते रहेंगे। सर आप दिल्ली के नागरिक होने के साथ कितने खुश हैं उनके इस बार चुनाव के नागरिक? चुनाव का मुद्दा क्या रहा है सर इस बार? आपको मुद्दा काम के ऊपर वोट है, जो उन्होंने काम किए हैं इतने, फ्री बिजली, फ्री स्कूल, वो मोला क्लिनिक, हेल्थ क्लिनिक, वो सारे काम
सारों को पता है, दिल्ली वालों को, सारे दिल्ली वाले 70 में से 70 उम्मीद कर रहे हैं। ठीक, छोड़ो। अरविंद केजरीवाल के पिता को एक बार फिर हमने आपको सुनवाया, 70 में से 70 सीटें मिलेंगी अरविंद केजरीवाल को। पानी और बिजली पर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने काम किया है उसका फायदा उन्हें जरूर पहुंचेगा। अंकित गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, जब हमने अरविंद केजरीवाल के पिताजी से बात की तो उनका साफ साफ कहना है कि पानी और बिजली पर बहुत काम किया है, और उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि मैं 2-3 घंटे अंदर नहीं बैठ सकता था इसलिए हम आशीर्वाद देके निकले, यानी इसका मतलब 2-3 घंटे तो लगने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को बाहर आने में। नहीं, 2-3 घंटे तो नहीं लगेंगे क्योंकि 3 घंटे का तो वक्त भी नहीं बचा है, 3 बजे तक तो नामांकन हो रहा है। लेकिन यकीन मानिए शोभना, इस समय जो कांग्रेस के उम्मीदवार है और बीजेपी के उम्मीदवार है, अब उनकी धड़कनें भी तेज हो रही होंगी क्योंकि अब जो है 2 घंटे से कम का वक्त बचा है और केजरीवाल अंदर बैठे हुए करीबन 45 मिनट का वक्त हो गया है। अगर केजरीवाल को आधा घंटा और लग गया तो उसके बाद में जो वक्त बचेगा, हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, 1:10 का वक्त हो रहा है, अगर आधा घंटा केजरीवाल अंदर और बैठ गए 1:45 का वक्त हो जाएगा, उसके बाद वक्त बचेगा करीबन जो है 1.25 घंटे का। तो 1.25 घंटे के अंदर 2 बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों को नामांकन करना, निश्चित तौर पर अब धड़कनें बढ़नी शुरू हो गई होंगी। 2 घंटे से कम का वक्त बचा है नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने में। केजरीवाल अंदर मौजूद हैं, वो करीबन 12:25 के आसपास पहुंच गए थे, करीबन 45 मिनट का वक्त हो गया है, केजरीवाल अभी भी अंदर मौजूद हैं। लेकिन उसके अलावा भी अभी भी कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय के तौर पर नामांकन करने आए थे, उनका कहना है कि टोकन हमारे पास भी है, तो अगर कानून या नियमों के हिसाब से, अगर टोकन के हिसाब से सबको नंबर दिया गया तो सवाल यह है कि बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों का नंबर कब आएगा। तो केजरीवाल तो अंदर अपना नामांकन कर रहे हैं, उसमें वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन वो नामांकन पूरा भी कर लेंगे, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की धड़कनें जरूर बढ़ गई होंगी। बिल्कुल अंकित, आप ठीक कह रहे हैं कि उनकी धड़कनें जरूर बढ़ी होंगी, लेकिन ऐसा भी होगा कि अगर वहां पर उम्मीदवार 3 बजे से पहले पहुंच गए हैं और उन्हें टोकन मिल गया है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो थोड़े आज लंबा काम करें और हो सकता है 5 बजे तक, क्योंकि भीड़ बहुत है। आप बता रहे हैं कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी वहां पर मौजूद है। जी निश्चित तौर पर, उनको जो है जो भी उम्मीदवार हैं उनको 3 बजे से पहले जाकर के नामांकन पत्र सौंपना होगा। केजरीवाल अभी अंदर मौजूद हैं तो इसका मतलब यह है कि केजरीवाल का नामांकन चल रहा है। उसके बाद में कुछ निर्दलीय उम्मीदवार जो कि सुबह से आकर के, अभी हमने देखा था तस्वीरों में, मारपीट भी हो रही थी, उनका यह कहना है कि केजरीवाल को प्राथमिकता क्यों दी गई, टोकन हमारे पास भी है। एक उम्मीदवार तो ऐसा आया, वो कह रहा है कि मेरे पास 44 नंबर का टोकन है, केजरीवाल का 45 था, तो आखिर केजरीवाल को मुझसे पहले क्यों जाने दिया गया, तो वो सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो कह रहे हैं कि हमको भी नामांकन करना है, केजरीवाल निकलेंगे तो हम नामांकन करेंगे, और जब बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार आएंगे तो यकीन मानिए उस दौरान फिर 1-1 मिनट काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। 3 बजे से पहले नामांकन पत्र सौंपना होगा, जो अधिकारी यहां पर बैठे हुए निर्वाचन अधिकारी। तो अब केजरीवाल तो अंदर मौजूद हैं, वो नामांकन प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, उनके कागजातों में अगर कोई कमी है तो उसको दूर किया जा रहा होगा। लेकिन उसके बाद में जब बीजेपी और कांग्रेस के आएंगे तो उनको भी थोड़ा वक्त चाहिए होगा, दस्तावेज पेश करने होंगे निर्वाचन अधिकारी के सामने, फिर निर्वाचन अधिकारी पूरी प्रक्रिया को देखते हैं, कहीं कोई कमी पाई जाती है तो उसको दुरुस्त करने को बोला जाता है। तो 3 बजे तक का वक्त है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंदर बैठे हुए हैं, बाहर थोड़ा बहुत प्रदर्शन जरूर हुआ जो उन लोगों के द्वारा जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उनका यह कहना था केजरीवाल को प्राथमिकता दी गई, लेकिन केजरीवाल अभी भी अपना नामांकन कर रहे हैं। अंजलि, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर में भीतर मौजूद हैं, नामांकन की पूरी प्रक्रिया वो पूरी कर रहे हैं, और उधर अभी कांग्रेस और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उस सीट से, क्या वो वहां पहुंचे हैं अपना नामांकन भरने के लिए? जी देखिए, अभी तक तो यहाँ पर कांग्रेस या बीजेपी के उम्मीदवार जो नई दिल्ली सीट के हैं वो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जितनी हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक 3 बजे तक का जो वक्त है वो दिया गया है कि तब तक आप यहाँ पहुंच जाएं और अपना टोकन ले लें, क्योंकि आज आखिरी दिन है, भीड़ काफी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है प्रक्रिया में लंबा समय लग जाएगा, यानी 3 बजे से पहले पहले उनको यहाँ पहुंचना बेहद जरूरी है। वो यहाँ पहुंचकर एक बार अंदर दाखिल हो गए तो प्रक्रिया के लिए समय दे दिया जाएगा। फिलहाल अभी कितनी देर में पहुंचने वाले हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है, और यहाँ से अभी तक कोई निकला भी नहीं है कांग्रेस या बीजेपी का, जो नई दिल्ली विधानसभा सीट के जहां तक प्रत्याशी है। और जैसा कि अरविंद केजरीवाल के पिता बाहर आकर कह के गए कि 2-3 घंटे का वक्त लग सकता है, तो ऐसा इसलिए भी मुमकिन है क्योंकि सुबह के वक्त जो यहाँ पर भीड़ लगी थी निर्दलियों की वो काफी
ज्यादा थी जो निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ पर आए हुए थे, तो उसके चलते भी अंदर एक लंबी लाइन जरूर होगी, जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि भीड़ यहाँ पर अंदर जो है वक्त लंबा लग सकता है अभी अरविंद केजरीवाल को। ठीक है अंजलि, आप बनी रही है हमारे साथ, अंकित गुप्ता भी वहाँ मौजूद है। अंकित गुप्ता, अभी तक ना तो रोमेश सोवरवाल जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है वो पहुंचे हैं, ना सुनील यादव जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो पहुंचे हैं। 3 बजने में अब ज्यादा समय बचा नहीं है, हार्डली 1 घंटा 45 मिनट। बिल्कुल, 1 घंटा 45 मिनट का वक्त बचा है कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए। लेकिन इस सबके बीच में पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा और साथ ही मैं जानकारी भी। 3 बजे तक का वक्त है, 3 बजे तक जो कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको निर्वाचन अधिकारी के सामने पहुंचना होगा। ये वो गेट है जहां पर अरविंद केजरीवाल अंदर मौजूद हैं, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, यानी कि निर्वाचन अधिकारी जो नई दिल्ली क्षेत्र के हैं वो यहां पर बैठते हैं और इनके पास में अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं, अपने जो दस्तावेजों को दे चुके हैं, जो हलफनामा है वो उनके सामने रख चुके हैं। उसके साथ ही में हलफनामे के साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, यानी कि अगर उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला है उसके बारे में जानकारी देनी होगी, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में जानकारी देनी होगी, संपत्ति क्या रही है उसके अलावा जो है अपने परिवार की संपत्ति के बारे में जानकारी देनी होगी। तो यह हलफनामा देना होता है, उसके साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, तो उनको वेरीफाई किया जाता है, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। और बात की जाए उन उम्मीदवारों की जो यहां नहीं पहुंचे, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार, तो उनके पास में अगले 1 घंटा करीबन 42-47 मिनट का वक्त है, उनको यहां पहुंचना होगा निर्वाचन अधिकारी के सामने। अगर वो पहुंच करके अपना जो नामांकन पत्र दे देते हैं तो उनको उसके बाद का भी वक्त मिलेगा। लेकिन चुनौती निश्चित तौर पर बड़ी है, क्योंकि इस सबके बीच में कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, उनका कहना है कि हमको भी नामांकन करना है, हम सुबह से यहां पर आए हुए हैं, हमारा भी नंबर है, हमको टोकन मिला हुआ है। लिहाजा अब ऐसे में एक एक पल उन उम्मीदवारों के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जो अब तक यहां पर नहीं पहुंचे हैं। केजरीवाल अंदर मौजूद हैं, करीबन 50-55 मिनट का वक्त हो रहा है, केजरीवाल अंदर पहुंचे हुए हैं और नामांकन की प्रक्रिया जारी है।